हेलो एवरीवन, आज है 22 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के ऐसी 20 कंपनियों के बारे में जो 30% से भी ज़्यादा का टैक्स पे कर रही थी। ठीक है, तो हाल फिलहाल में जो अनाउंसमेंट की गई है निर्मला सीतारमण की तरफ से और जो बताया गया है कि टैक्स में कटौती की गई है, तो ये वो कंपनियां हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। क्योंकि देखिए, निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं डेफिनेटली उनकी जो अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जब टैक्स वो 30% से भी ज़्यादा पे कर रहे होते हैं तो इसका इफेक्ट भी हमें इनके प्रॉफिट पर देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी कंपनियां हैं और इसमें हमें क्या करना चाहिए, इस सिलसिलेवार तरीके से उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो निफ्टी 50 की जो 20 कंपनियां हैं वो कुछ इस तरीके से, जो आर्टिकल है वो मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल, उसके अकॉर्डिंग दीज 20 निफ्टी 50 कंपनीज पे मोर देन 30% टैक्स रेट। तो यहाँ पर 30% से भी ज़्यादा का टैक्स ये लोग पे कर रहे हैं, और उनकी जब अर्निंग, जब अब डेफिनेटली जब टैक्स रेट में कटौती की गई है तो उनकी ये जो अर्निंग है वो 12% से भी ज़्यादा बढ़ सकती है, उनकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर वो कौन सी कंपनियां हैं, चलिए वो इसके ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 98% वो का वो पे करते हैं। और अगर हम टैक्स की बात करें तो इन्होंने टैक्स में तकरीबन 1582 करोड़ रुपए चुकाए हैं टैक्स में। और उसके बाद देखिए जी एंटरटेनमेंट है, वो भी 36% का ये लोग टैक्स पे करते हैं। उसके बाद बजाज फाइनेंस, वो भी 36% का टैक्स पे। देखिए बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी है, इसको इसमें आपको बढ़िया सा आने वाले दिनों में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उसके बाद है टाटा स्टील, उसमें भी 35% का ग्रोथ है, 35% का। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, देखिए नजर रखिए, ये ब्रिटिश बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, अच्छी कंपनियां हैं। देखिए 35% का टैक्स ये लोग पे कर रहे हैं, HDFC भी 35% का टैक्स पे कर रही है, कोटक महिंद्रा 34% का टैक्स पे कर रही है, आयशर मोटर्स भी 34% का टैक्स पे कर रही थी। ठीक है, बजाज ऑटो ये भी 34% का टैक्स पे कर रही थी। इनको भी अब टैक्स कटौती जैसे ही होगी इनको भी 10 से 12% का फायदा होगा। और इंडसलैंड बैंक ये भी 34%, हिंडाल्को वो भी 33% का पे कर रही थी, ONGC बैंक, देखिए जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनियां हैं ONGC और जितनी भी ऑयल कंपनियां से उनका भी यही है कि वो भी कम से कम 33 से 31% का टैक्स पे कर रही थी। तो उनको भी काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा जब ये, तो इनके भी जो मुनाफा है वो अच्छा खासा बढ़ सकता है। एक्सिस बैंक भी 33% का टैक्स पे कर रही है, IOCL 33%, एशियन पेंट 33%, हीरो मोटर को 32%, ITC 32%, BPCL वो भी 32%, गेल इंडिया 31%, अल्ट्राटेक 31%, JSW स्टील वो 30% का टैक्स पे कर रही थी। अब इनमें से अगर मुझे कोई कंपनियों को चूज करना पड़े तो देखिए सबसे जी एंटरटेनमेंट को मैं चूज यहाँ पर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देखिए कंपनी में काफी ज्यादा इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, और हाल फिलहाल में कंपनी कर्जे के बोझ के तहत दबी हुई है, खास करके उनके प्रमोटर्स की अगर बात की जाए तो वो। लेकिन अच्छी अगर है तो देखिए बजाज फाइनेंस बढ़िया है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज वो भी बढ़िया है, HDFC भी अच्छा खासा स्टॉक है, कोटक महिंद्रा भी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर ONGC भी एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि अब ये थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, एक्सिस बैंक भी आपको बढ़िया सा रिटर्न दे सकता है, एशियन पेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और ITC ये शेयर अब यहाँ से ऊपर उठना चाहिए, पिछले काफी वक्त से ITC में गिरावट थी लेकिन अब यहाँ से इसमें तेजी आनी चाहिए। तो ये निफ्टी 50 के ऐसी स्टॉक्स थे जिस पर आपको नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब मार्केट गिरता है तो सबसे ज्यादा जो लोग चूज करते हैं, जब मंदी आ रही है तो लोग चूज करते हैं कि निफ्टी 50 पर वो पैसा लगाए ताकि उनका जो पैसा है वो एकदम से धराशायी ना हो जाए, क्योंकि देखिए मंदी के दौर से अभी हम लोग गुजर रहे हैं तो एक लोगों में डर बना रहता है कि देखिए शेयर्स आधा भी हो सकता है। और तो अगर मान लीजिए कि लोग मिड कैप में लगाते हैं, स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं, स्पेशली जब मंदी के टाइम में, तो उनका जो शेयर होता है वो आधा टूट जाता है, इवन 80-90% की भी बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है। लेकिन निफ्टी 50 में एक गारंटी रहती है कि बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट तो एटलीस्ट इसमें नहीं आएगी। तो अब देखिए ये ऐसी 20 निफ्टी 50 कंपनी है जिसको काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे और इनके प्रॉफिट्स भी काफी हाई थे। तो नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर, और आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल भी ये रखता है।
तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।